राष्ट्र संत महायोगी श्रमण मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में 12 दिसंबर को एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुनिश्री ने श्री संवेद शिखर जी को अहिंसक शाकाहार पवित्र जैन तीर्थ घोषित हो इस विषय पर पत्रकारों के माध्यम से समाज को उद्बोधन दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 12 दिसंबर को पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्र संत महायोगी श्रमण मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज ने पत्रकारों के माध्यम से तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के संरक्षण के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में मुनिश्री ने सभी देशवासियों को श्री समेत शिखर जी बचाने के लिए प्रयासरत होने के लिए उद्बोधन दिया। हमारा भारत देश है, हमारा पर्वत सुरक्षित है और हम जाकर के जब जब मौका मिलेगा, साल में 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में मौका मिलता है, जाते हैं लोग, पर उनको दर्शन करने नहीं जाता, उनके साथ जाती हो जाती है, धक्का मक्की हो जाती है, कभी काली की रोशनी हो जाती है। जब हम आराधना करने गए, हमारा देश तो धर्म परायण देश है, यहाँ पर तो किसी को जाए तो रोकते नहीं, हम रोकते नहीं, पर वहां पर हमारा ही क्षेत्र है और अपने ही क्षेत्र पर हमें नहीं जाने दिए जाए, रोका टोका जाए, फिर भी जैन समाज की ऊपर देखे संतोष प्रकट कितना है कि उन्होंने इतनी बड़े आघात को भी बड़ी शांति से सहन करके चुपचाप रहे, कभी आवाज नहीं उठाई। आज तक मेरे समस्त देश में भी एक भी बार ऐसा कोई अनशन या ऐसा कोई बात नहीं रखी गई गिरनार जी के लिए, पर वो भाव लेकर के चुपचाप बैठे रहे। पर अब जैसे ही पता चला कि समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया और योजना भी बता दी गई, अब खतरा रहने लगा क्योंकि दूध का जला। सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए दिल्ली के विभिन्न न्यूज चैनल, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित डिजिटल न्यूज चैनल के पत्रकार बंधु सम्मिलित हुए। गौरतलब है कि श्री समेत शिखर जी के संरक्षण के निमित्त से भारत सरकार द्वारा तीर्थराज को पर्यटन स्थल घोषित करने के उद्देश्य से जैन समाज में बहुत आक्रोश है। यही कारण है कि पूरे विश्व में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।